जिले में कोटा से सहरसा आए 1610 छात्र छात्रा। लॉकडाउन में कोटा में फंसे कोसी कमिश्नरी के 1610 बच्चों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज सहरसा जंक्शन पहुंची। आने वाले बच्चों में सहरसा के 511, सुपौल के 572 एवं मधेपुरा के 527 छात्र छात्रा शामिल हैं। सहरसा जंक्शन पहुंचने के बाद बारी बारी से छात्रों को उतारा गया, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सुपौल और मधेपुरा के बच्चों को उनके गृह मुख्यालय भेजा गया, जबकि सहरसा जिले के बच्चों को 21 दिनों तक होम क्वारंटीन रहने का शपथ पत्र भराते उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया। कोटा से आए बच्चों ने बताया कि लॉकडाउन में वहां उन्हें खाने पीने की परेशानी होने लगी थी, बीमारी का भी भय होने लगा था। बच्चों ने स्पेशल ट्रेन से घर भेजने के लिए सरकार का आभार जताया। स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड के लिए सहरसा से संवाददाता आशीष कुमार झा। कितने दिन से कोटा में फंसे हुए? कितने दिनों से फंसी हुई थी? लॉकडाउन तब से। क्या सब परेशानी झेलनी पड़ी? आने में क्या सब दिक्कतें हैं? टिकट भी लगा है? नहीं। कोटा में अगस्त पिछले बार बैच स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से हम लोग रह रहे थे। फिर अभी जब से कोरोना वायरस चल रहा है तब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। हॉस्टल में रह रहे थे तो डर लग रहा है कि कहीं कोरोना इफेक्ट कर रहा है। अभी आने में तुम लोगों को टिकट भी लगा है? रास्ते में कोई दिक्कत? क्या नाम है? नाम क्या था? कितने दिन से कोटा में फंसे हुए थे तुम? 30-31 दिन से। क्या सब परेशानी झेलनी पड़ी? खाने में दिक्कत, पर रहने में दिक्कत, यही सब। सर सारे दिन चले गए थे घर। रास्ते में कोई परेशानी भी नहीं? रास्ते में कोई परेशानी? टिकट वगैरह लग? नहीं, वही डीएम का मैसेज जो था वही टिकट था। क्या नाम हुआ? गौरव कुमार चौधरी। कहाँ से हो? सहरसा। इसको मदद कर दो। जिला प्रशासन तरफ से क्या मुकम्मल व्यवस्था की गई? जिला प्रशासन तरफ से क्या मुकम्मल व्यवस्था की गई? सारी मुकाबला देख रहे हैं हम लोग, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, स्क्रीन की व्यवस्था है, सभी लोगों का ये खाने का पैकेट दिया जा रहा है, स्टेशन भी हो रहा है, क्योंकि सामान ज़्यादा है बच्चों का, इसलिए क्या सुविधा ना हो इसलिए हम लोग अपने स्तर से ट्रॉली का इंतजाम भी किया है। अभी बच्चे स्टेडियम जाएंगे और ट्रक में इनका बैग सामान लोड करके स्टेडियम में हम लोग भेजेंगे, वहाँ पे लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन क्वारंटाइन फॉर्म भरना पड़ेगा।